नहीं बोलूं तो मिसकंसेप्शन नहीं है. यस देयर आर सम फ्यू प्लेयर्स मे बी नॉट इन करोड्स मोर देन दैट दे अर्न मंथली. हेलो पीपल, आई एम प्रेरणा राजपूत एंड आई एम हियर विद ब्लैक हॉक. Hello. Tell us something about yourself. My name is Shailesh Dalvi. I also go by the name of Black Hawk, as in game. And I've been playing since last 7 or 8 years in esports. So tell us about your journey, start se leke abhi tak. So basically, मैं professionally round about 2015 से खेलना शुरू किया था. ये लोग के साथ मतलब हम लोग CS:GO खेलते थे. तभी CS:GO के kinds of open qualifiers होते थे जिससे तुम इंडिया को represent करते थे. So, I've been representing India in CS:GO for 2 times. एक बार मैं Philippines गया था और एक बार Taiwan गया था. उसके बाद मैंने सोचा कि यार थोड़ा education complete कर लेता हूँ, थोड़ा break लेना चाहिए क्योंकि parents भी support नहीं करते ये सब चीज़ें. वो टाइम पे वो लोग डर से गए थे कि बेटा कॉलेज भी नहीं जा रहा है या क्या कर रहा है, मतलब इज ही लॉस्ट इन हिज करियर, करियर पे भी फोकस नहीं कर रहा है वैसा. तो तभी 2017 के एंड पे मेरे सेमिस्टर था मेरा. तभी आई वाज डूइंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और तभी मैंने डैड को बोला था कि यार डैड मुझे ये सेमिस्टर मुझे स्किप करना है क्योंकि मुझे मैं तभी क्वालिफायर जीता था फिलीपींस का कि मुझे फिलीपींस जाना है करके. तो डैड भी थोड़े ऐसे शॉक में थे, तो क्या बोल रहा है करके कि तू एग्जाम स्किप करके तुझे ये सब करना है क्या मतलब. तो डैड बोले कि इट्स ओके, वन टाइम ट्राई देता हूँ तुझे, तेरे पे ट्रस्ट करके. एट द एंड मतलब फिलीपींस में गया, मैंने एग्जाम भी स्किप किए और फिर या तब से मैंने सोच लिया कि कुछ करूंगा तो स्पोर्ट्स में ही करूंगा. फिर बाद में फिर मैं जैसे फिलीपींस से आया, नेक्स्ट ईयर ताइवान गया. ताइवान रिप्रेजेंट करने के बाद फिर मैंने तभी सोचा कि यार एजुकेशन ही कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, जो बेसिक डिग्री है. तो वंस आई वॉज डन विद द एजुकेशन, फिर आई वॉज थिंकिंग कि मैं मास्टर्स करूंगा बाहर जाके. बट कोविड जैसे ही शुरू हुआ, फिर मैंने तभी कुछ 1.5 लाख का पीसी बनाया था 1 साल पहले, कोविड के पहले जब मैं छोड़ रहा था. तो डैड वॉज लाइक तूने पैसा भी इतना खर्चा कर दिया है, अब तू कुछ कर भी नहीं रहा है, तूने रैंडमली बीच से इतने प्लान छोड़ दिए और तू अभी मास्टर्स की बात कर रहा है. तो सीन ऐसा हो गया कि फिर मैं भी वापस से खेलना शुरू किया और तभी ही राइट गेम्स ने वैलोरेंट पब्लिश कर दी. तो 1 साल कोविड के इसमें वैलोरेंट के टूर्नामेंट्स ऑनलाइन होते रहे मैसिव स्केल पे, तो भी मैं ऐसे बाहर से स्पेक्टेट करता था. तो फिर 1 साल हुआ, कोविड तो भी गया नहीं. फिर सेकेंड ईयर मैं इतना अटेम्प्ट हो गया कि मतलब खेलना शुरू कर देता हूँ करके प्रोफेशनल. Still I'm continuing and now playing under Revenant now. पूरा जर्नी ऐसे अप एंड डाउन ही रहा है आपका. तो आपके नेम के पीछे क्या स्टोरी है ब्लैक हॉक? इतनी कुछ बड़ी स्टोरी नहीं है. वो टाइम पे मूवी ब्लैक हॉक डाउन करके आई थी, तभी मैं थोड़ा अच्छा लगा था मुझे, मैं तो यस मैंने तभी नाम रख दिया मतलब ब्लैक हॉक करके. बाकी लोगों के लिए ई-स्पोर्ट्स एज अ करियर लेना, इज इट गुड राइट नाउ? यस यू कैन से इट्स गुड, बट बैक इन द दोज डेज व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग द रेस्ट ऑफ द गाइस, तभी थोड़े स्केप्टिकलनेस थे. पर अभी तो पेरेंट्स को मतलब इतना तो हो गया है कि यस कि स्पोर्ट्स करके भी कुछ चीज़ है, क्योंकि अभी इतने सारे रिसोर्सेज भी और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है अभी कि आप अगर प्लेयर से भी रिटायर हो सकते हो तो आप कोच हो सकते हो, कोच से भी रिटायर हो सकते हो तो बहुत सारे मैनेजमेंट में भी पोजिशन है वैसे. तो यस स्पोर्ट्स कैन बी परस्यू. सो हाउ डू यू डील योर गेमर लाइफ एंड पर्सनल लाइफ टुगेदर? सो एक्चुअली में अगर देखा जाएगा तो कोई गेमर का पर्सनल लाइफ करके सेक्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि वी ईट स्लीप play repeat basically. So how do you deal with the competition and negative criticism that comes? So basically esports is also same like cricket or football basically. So koi bhi har ek player ka ups and downs rehta hai. When you play good like people always appreciate ki acha khela aap ya aise. But definitely when you play bad including your teammates like organization too, they also know that XYZ player ka slump shuru hai aisa. But yes fans kabhi kabhi criticize karte hai to bhi yes hum log मतलब पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि यस कभी अच्छा चलता है कभी गंदा चलता है, बट वो इतना अफेक्ट नहीं करने देता हम लोग को. हाउ हैज रेवेनेंट हेल्प्ड यू ग्रो एज अ प्लेयर? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है बट वी आर इन द टॉप नॉच. आई एम रियली प्राउड टू लाइक टू रिप्रेजेंट रेवेनेंट राइट नाउ. लेटली बहुत सारे मिसकंसेप्शंस चल रहे हैं सोसाइटी में कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, तो हमें थोड़ा इनसाइट दीजिए सर. देखो फ्रैंकली बोलो तो मिसकंसेप्शन नहीं है. यस देयर आर सम फ्यू प्लेयर्स कि मे बी नॉट इन करोड्स मोर देन दैट they earn monthly, but it depends on your the number of followers you have, the number of YouTube subscribers you have, and the number of reach you have to your audience. Basically aap khud ka ek brand ban jate ho. Thank you so much for spending time with us, it was amazing. Yeah, thank you guys.